नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना। तो चलिए आज एक नए टॉपिक के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। चाणक्य नीति। भावियों के ये अंग बताते हैं उनका मूड। व्यक्ति के शारीरिक अंग उसके व्यक्तित्व और स्वभाव के बारे में बहुत सी जानकारी देते हैं। यह एक दिलचस्प और रहस्यमय विज्ञान है जिसमें हमारे शरीर के विभिन्न अंग व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं। नाक, जिसे नाक भी कहा जाता है, भी इसमें शामिल है और कई लोग मानते हैं कि नाक का आकार हमें किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बता सकता है। इसे नेकोलॉजी कहते हैं। अब आपने कुछ ऐसे हिस्सों का उल्लेख किया है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रकट कर सकते हैं। इनमें से एक नाक का आकार भी शामिल है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं इस वीडियो में। बड़ी नाक वाले व्यक्ति। बड़ी नाक वाले लोग अपनी जिंदगी खुलकर जीते हैं और उनमें अहंकार की मात्रा बहुत अधिक होती है। इनमें नेतृत्व का नैसर्गिक गुण होता है और ये अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी की मदद नहीं लेते। ये बड़े नासमझ होते हैं और अपनी जिंदगी में राजसी अंदाज में रहना पसंद करते हैं। उनमें संचार कौशल भी अच्छा होता है। बाज जैसा व्यक्ति। जिन लोगों की नाक बाज की चोंच के समान होती है, वे खुले विचारों वाले होते हैं और हर मुसीबत में दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। जब तक उन्हें परेशान न किया जाए, तब तक वे किसी से बहस या झगड़े में नहीं पड़ते। ये लोग चाहते हैं कि हर कोई उनका सम्मान करे, इसलिए ये हमेशा भीड़ से दूर रहकर काम करते हैं। ऐसी नाक वाले व्यक्ति बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग इन्हें स्वार्थी समझते हैं। छोटी नाक वाले व्यक्ति। छोटी नाक वाले लोग बहुत जिंदादिल होते हैं और हर मुसीबत में लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। जब तक उन्हें परेशान न किया जाए, तब तक वे किसी से बहस या झगड़े में नहीं पड़ते। ये लोग रोमांटिक भी होते हैं और सादगी का आनंद सीधे दिल से लेते हैं। उनमें संचार कौशल भी अच्छा होता है। सीधी नाक वाले व्यक्ति। इस प्रकार की नाक वाले लोग बहुत संवेदनशील होते हैं और हर मुसीबत में दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उन्हें हल्के में ले। ये लोग बहुत धैर्यवान और समझदार होते हैं, लेकिन इन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं होता कि कोई इन्हें हल्के में ले। वे दिल से खुश रहते हैं और सादा जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। ये बिल्कुल सच है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने के लिए उसके साथ समय बिताना महत्वपूर्ण है, लेकिन इस नेकोलॉजी के माध्यम से भी हम किसी व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आप भी लोगों के स्वभाव को समझने में मदद के लिए इस दिलचस्प विज्ञान को अपने अध्ययन में शामिल कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य को भारत ही नहीं, दुनिया के सबसे पहले और सबसे महान राजनीतिज्ञ, दार्शनिक और अर्थशास्त्री माने जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र, राजनीति, कूटनीति के अलावा व्यवहारिक जीवन की भी कई बातें बताई जो आज भी समाज के लिए भी उतनी ही उपयोगी है जितनी पहले थी। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में बड़ों, बुजुर्गों, बच्चों सभी के लिए कोई ना कोई सीख दी है, जिस पर अमल कर मानव अपने जीवन में कामयाबी की बुलंदों तक आसानी से पहुंच सकता है। आज हम आपको चाणक्य की उन्हीं गूढ़ बातों में से एक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिस पर अमल कर आप भी कामयाबी के शिखर पर पहुंच सकते हैं और अपने घर को सुख समृद्धि से भर सकते हैं। लड़कों के मामले में नौकरी करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। काम करने के बाद तुरंत घर आना जरूरी है। जब लड़कियों की बात आती है तो पड़ोस के लड़के अक्सर उसी तरफ खींचे चले आते हैं। कुंवारे लड़कों को भाभी आकर्षक लगने के कई कारण हो सकते हैं। प्यार में पढ़ने का कोई सही या गलत समय नहीं होता है। प्यार में किसी को भी किसी भी उम्र में पढ़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति प्यार में है तो वह अक्सर अपने दिमाग से ज्यादा अपने दिल से काम करता है। कठिन परिस्थिति का सामना करने पर सही और गलत के बीच अंतर बताना मुश्किल हो सकता है। इस समय में जब लड़कों से आमतौर पर एक सवाल पूछा जाता है कि उन्हें कौन पसंद है, तो उसका जवाब था कि वह लड़कियों से ज्यादा भाभी और उसकी मौसी को पसंद करता है। हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़कों और लड़कियों के कई अध्ययनों में भी यह घटना देखी गई है। एक शोध से पता चलता है कि
पुरुष अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं को तरजीह देते हैं। ऐसी स्थितियों में जहां पुरुष अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं की ओर आकर्षित होते हैं, ऐसे कुछ कारण हो सकते हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है। इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ कारणों के बारे में जानेंगे। शोध से पता चलता है कि अविवाहित लड़कियों की तुलना में विवाहित महिलाएं अधिक भावुक होती हैं और वे लड़कों की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझती हैं। शायद यही कारण है कि वे अधिक भावुक होते हैं। इस बात के प्रमाण है कि अविवाहित लड़कियों की तुलना में विवाहित महिलाएं या भाभी अधिक विश्वसनीय और प्यार करने वाली होती हैं। एक कुंवारी लड़की की तुलना में एक भाभी या एक विवाहित महिला अपने अनुभव के कारण लड़कों को खुश करने की अधिक संभावना रखती है। इसी का नतीजा है कि लड़कों की लड़कियों में गहरी दिलचस्पी होती है। कम्युनिकेशन की बात करें तो शादीशुदा महिलाएं भी लड़कों को जल्दी समझ जाती हैं। वह लड़कों की पसंद नापसंद के बारे में बहुत कुछ जानती है और उनके साथ उसी तरह बातचीत करती है। लड़के भाभी या विवाहित महिलाओं के प्रति आकर्षित हो सकते हैं क्योंकि उन्हें जीवन में बाद में तलाक लेने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है और दोनों पक्ष अपेक्षाकृत जल्द ही आगे बढ़ते हैं। वहीं कुंवारी लड़की या लड़का अलग होने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और महीनों तक उसमें डूबा रहता है। चाणक्य नीति में चाणक्य ने धन, तरक्की, वैवाहिक जीवन, मित्रता और दुश्मनी संबंधी समस्याओं का भी उपाय बताया है। यहाँ तक कि चाणक्य नीति में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि व्यक्ति को जीवन में सफल होने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार जिन औरतों में 3 महत्वपूर्ण गुण होते हैं, वो औरतें खुद के लिए ही नहीं बल्कि अपने पति के लिए भी बेहद भाग्यशाली साबित होती हैं। आइए जानते हैं पत्नियों में कौन से 3 गुण होने चाहिए। विनम्रता। आचार्य चाणक्य के अनुसार स्त्री को व्यवहार में हमेशा विनम्र और दयालु होना चाहिए। इस स्वभाव की महिलाएं हमेशा परिवार को संजोकर रखती हैं, साथ ही सदैव अपने परिवार की भलाई के बारे में ही सोचती हैं। धर्म का पालन। चाणक्य के अनुसार स्त्री को हमेशा अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का पालन करने वाली स्त्री सदैव सत्कर्मों की ओर प्रेरित होती है। ये अपनी संतान को संस्कारी बनाती हैं। ऐसी स्त्री सदैव अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती हैं। ऐसी स्त्री सिर्फ परिवार का ही नहीं बल्कि कई पीढ़ियों का कल्याण करती हैं। धन की बचत करने वाली। आचार्य चाणक्य के मुताबिक स्त्री को हमेशा धन की बचत करनी चाहिए। जिस पत्नी में धन के संचय करने की आदत होती है, वह व्यक्ति आसानी से बुरे समय से निपट लेता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।